मैं यति महाराज सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में सूर्य के राशि परिवर्तन करके वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करने से पहली तीन राशियां मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशियों पर इसका क्या असर पड़ेगा यह बताऊंगा। उसके अगले वीडियो में मैं आपको कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि पर सूर्य के धनु राशि में प्रवेश करने से क्या असर होगा यह बताऊंगा, और ऐसे ही बाद में तीन राशियां तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में बताऊंगा, और उसके बाद में मकर, कुंभ और मीन राशि के ऊपर सूर्य के धनु राशि में प्रवेश करने से क्या असर होगा यह मैं बताऊंगा। सूर्य के धनु राशि में प्रवेश करने से किस राशि पर क्या असर होगा इस विषय में मैंने चार वीडियो बनाए हैं, हर वीडियो में तीन तीन राशि है, तो आपकी जो राशि है वह आप अपने ग्रुप के हिसाब से या भाग के हिसाब से देखें, मैंने चार भाग बनाए हैं। सूर्य 16 दिसंबर 2023 शुक्रवार को दिन में 10:11 पर अपने मित्र गुरु की धनु राशि में प्रवेश करेंगे, जहां 14 जनवरी 2023 शनिवार को रात 8:57 तक गोचर करते रहेंगे, और 14 जनवरी 2023 को जब सूर्य धनु राशि से निकलकर शनि की मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो 14 जनवरी 2023 शनिवार को मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाएगा। आप मेरा यह वीडियो पूरा बहुत ध्यान से देखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि के स्वामी के जो देव होंगे उसके अनुसार आप जो है वह लिखे, जैसे कि मेष राशि के स्वामी देव मंगल है, या उनके देव जो है स्वामी जो है ग्रह मंगल है और देव हनुमान जी है, तो आप ओम हण हनुमते नमः या जय बजरंगबली आदि मेष राशि वाले लिख सकते हैं, वृषभ राशि वाले लक्ष्मी माता की जय कर सकते हैं, और मिथुन राशि वाले गणेश जी की जय लिख सकते हैं। यह जो वीडियो है वह मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि वालों के लिए है, इसमें पहली तीन राशियां बताई गई है। ऊपर भी आप थोड़ी थोड़ी देर में यह जो है मेरे नए साल जो है 2023 के वीडियो के लिंक देख सकते हैं, वो आप अपनी राशि के हिसाब से देख सकेंगे। जैसे मैं अभी मेष राशि बताऊंगा तो मेष राशि वाले यहाँ ऊपर जो है अपना राशि का लिंक 2023 का देख सकते हैं, उसके बाद में वृषभ राशि वाले भी देख सकते हैं अपनी राशि के लिए, मिथुन राशि वाले भी देख सकते हैं। अब शुरुआत करता हूँ मैं मेष राशि से कि सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेंगे तो इसका मेष राशि पर क्या असर पड़ेगा। सूर्य आपके पंचम संतान और शिक्षा स्थान का स्वामी है, और अब आपके नौवें भाग्य स्थान में गुरु की धनु राशि में गोचर करेंगे, इसलिए यह गोचर आपके लिए शुभ रहेगा। भाग्य स्थान में बैठे सूर्य आपके तीसरे पराक्रम और भाई बहन स्थान को सप्तम दृष्टि से देखेंगे, इसलिए भाग्य का पूरा आपको साथ मिलेगा। आपके रुके अटके काम अब आसानी से बनेंगे, आपका मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी, आपका सामाजिक दायरा जो है वह बढ़ेगा। अगर आप व्यापार करते हैं तो अब आपको अपने व्यापार में कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन करने की इच्छा होगी, जिसको आप आसानी से पूरा कर सकते हैं या कर सकेंगे, और अगर आप नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो भी इस गोचर के दौरान आपको करना जो है नया व्यापार शुरू करना शुभ रहने वाला है। नौकरी में है तो प्रमोशन आदि मिलने की प्रबल संभावना है। इस गोचर में आपकी गूढ़ रहस्यों में जो रुचि है वह बढ़ेगी, और आप उनकी तह तक जाकर उनका रहस्य समझने की कोशिश करेंगे। पठन पाठन, आध्यात्मिक ज्ञान और धार्मिक कार्यों में भी आपकी रुचि जो है बढ़ेगी। इस गोचर में संतान प्राप्ति होने के आपके प्रबल योग बनेंगे, और संतान सुख आपके लिए अच्छा रहेगा। भाई बहन का साथ और सहयोग रहेगा, और पिता से भी पूरा समर्थन मिलेगा। आप अपने पिता की सेवा और देखभाल करें, उनकी सलाह से कोई काम करेंगे तो सफलता मिलेगी। इस गोचर के दौरान आपको कोई नई जिम्मेदारी भी उठानी पड़ सकती है। पारिवारिक माहौल पक्षकार बना रहेगा, दाम्पत्य सुख में आपके बढ़ोतरी होगी, और अविवाहितों को मनपसंद जीवन साथी की तलाश जो है वह पूरी होने के योग बनेंगे। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। प्रेम प्यार में संभल कर रिश्तों को आगे बढ़ाएं और मित्रता को सच्चे मन से निभाएं। इस महीने में आप प्रबंधन के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम करेंगे और सामाजिक कार्यों में आपको प्रशंसा पाएंगे। अगर आपकी कुंडली में सूर्य अच्छा नहीं है, नीच का है, या अशुभ स्थान में है, या कमजोर है, या अशुभ ग्रहों की युति में है,
तो आप एक बार अपनी कुंडली किसी ज्योतिषी को बताकर सूर्य को बलवान करने के लिए उपाय पूछकर वह उपाय करें, सूर्य आपको अच्छा फल देने लगेगा। मैं आपको उपाय भी इस महीने में क्या करना है यह बता रहा हूँ, आप चाहे तो यह उपाय कर सकते हैं। आपकी मेष राशि का 2023 का संपूर्ण वार्षिक जो राशिफल है मैंने यूट्यूब पर पोस्ट कर दिया है, मेरे दैनिक यति राशिफल नाम का चैनल है यति महाराज का, वहाँ पोस्ट किया है, आप उसका लिंक ऊपर यहाँ देख सकते हैं। आपको आपका आने वाला साल नया कैसा बीतेगा यह आपको उस वीडियो में इस लिंक को क्लिक करने पर देखने को मिल जाएगा। अब मैं मेष राशि वालों के लिए उपाय बता देता हूँ कि आप इस महीने में नियमित जो है गाय को गुड़ खिलाएं, या गुड़ से बनी जो चीज़ें हैं वह पानी में बहते हुए में आप उसको बहा दें, विसर्जन कर दें, और सूर्य को हमेशा जल चढ़ाएं। इसके अलावा आपकी कुंडली में अगर सूर्य कमज़ोर है, शुभ फल नहीं दे रहा है, तो आप अपनी कुंडली भी किसी विद्वान ज्योतिषी को बताकर सूर्य का उपाय करें तो इसका लाभ आपको मिलेगा। अब देखते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए सूर्य जो है वह चौथे सुख और माता स्थान का स्वामी है, और अब आपके आठवें मृत्यु स्थान में गुरु की धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। यह सूर्य का गोचर आपको मेहनत से सफलता करवाएगा और कुछ नए अनुभव के साथ अपने पराए लोगों की पहचान भी करवाना सिखाएगा। हालांकि आपका व्यापार हो या नौकरी हो, सब कुछ पहले की तरह चलता रहेगा, लेकिन व्यापार में आप कुछ कुछ समय के लिए बेचैनी अनुभव कर सकते हैं, फिर वापस आप सोचेंगे कि जो चल रहा है वह ठीक है, और ऐसा ही कुछ नौकरी वालों के साथ रहेगा। काम के बोझ का दबाव बढ़ेगा तो सोचेंगे कि कोई और दूसरी नौकरी करना ठीक रहेगा, लेकिन फिर कुछ ही समय में आप इसी से संतुष्ट भी हो जाएंगे। लाभ मिलेगा और धन भी मिलेगा, लेकिन मेहनत तो आपको पूरी करनी पड़ेगी। आपकी परफॉर्मेंस हर जगह तगड़ी और धमाकेदार हो सकती है। आपकी बातचीत का अंदाज भी आकर्षित करने वाला और विनम्र जैसा रहेगा, लेकिन कोई लुभावना प्रस्ताव देखते हैं तो स्वीकार करने की गलती इस गोचर में मत करना, वरना हानि हो सकती है। आपकी श्रद्धा और बढ़ेगी। माता की सेहत में कुछ परेशानी हो सकती है, जिस कारण आप थोड़ा विचलित हो सकते हैं। इस गोचर के समय आपकी सेहत भी कुछ समय के लिए परेशानी पैदा कर सकती है। कोई इन्फेक्शन आदि ना हो, इससे आपको बचना पड़ेगा। पारिवारिक माहौल लगभग शांत जैसा रहेगा, मगर आपका मन जरूर किसी बात को लेकर विचलित रहेगा। दाम्पत्य सुख में थोड़ा कमी महसूस करेंगे। प्रेम प्यार ठीक ठाक चलता रहेगा, मगर संतान के प्रति आप थोड़ा चिंतित रहेंगे। जीवन साथी के साथ मधुर व्यवहार करना ठीक रहेगा। विद्यार्थी वर्ग की इस गोचर में कड़ी परीक्षा का दौर रहेगा। वृषभ राशि की जो महिलाएं हैं, खासकर के गर्भवती महिलाओं को सावधान रहने की सलाह है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य अच्छा नहीं है, नीच का है, अशुभ स्थान में है, या कमजोर है, या अशुभ ग्रहों की युति में है, तो आप एक बार अपनी कुंडली किसी ज्योतिषी को बताकर सूर्य को बलवान करने के उपाय पूछकर उपाय करें तो आपको सूर्य अच्छा फल देने लगेगा। मैं आपको उपाय भी बता देता हूँ, आप उपाय कर सकते हैं। लेकिन आपकी वृषभ राशि का 2023 का संपूर्ण वार्षिक राशिफल अगर आप देखना चाहते हैं तो मैंने मेरे यूट्यूब के मेरे दैनिक यति राशिफल यति महाराज के नाम से है उसको वहाँ पोस्ट कर दिया है, ऊपर इसका लिंक है, आप यहाँ भी उसको लिंक को क्लिक करके अपने नए साल 2023 का वार्षिक राशिफल देख सकते हैं। अब मैं आपको वृषभ राशि वालों के लिए उपाय बता देता हूँ। आप रविवार को एक लाल फूल किसी मंदिर में चढ़ाकर अगरबत्ती जलाएं, और अगर हो सके तो मीठा जल भी, यानी जल में मिश्री या शक्कर आदि डालकर भी वहाँ थोड़ा सा भोग देव को लगा दें। यह पूरा महीना आपके लिए अच्छा बीतेगा। अब देखते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य तीसरे भाई बहन और पराक्रम स्थान का स्वामी है, और अब आपके सप्तम जीवन साथी स्थान में, यानी केंद्र स्थान में गोचर कर रहा है। यह गोचर आपके लिए शुभ और लाभ प्रदान करने वाला रहेगा। सूर्य की जो सप्तम दृष्टि है आपके लग्न भाव पर पड़ेगी, तो इस गोचर के दौरान आपका व्यक्तित्व जो है वह निखर कर उभरेगा। आपका मान सम्मान और राज्य से लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। अधिकारियों से निकटता बढ़ेगी और सहयोग मिलेगा।
व्यापार में व्यवसाय में लाभ होगा और नए काम की प्रेरणा भी मिलेगी। नौकरी आदि में भी सरलता और सहजता अनुभव करेंगे। विदेशों से अगर आपका व्यापार या नौकरी या शिक्षा या आर्थिक संबंध और कोई दूसरा लेन देन है तो इस गोचर में आपको भारी लाभ मिलने की पूरी संभावना है। आप इस बात का ध्यान रखें कि सफलता के चलते आप में कहीं कोई प्रकार का लेस मात्र भी घमंड आदि नहीं आना चाहिए। आप में इस गोचर के दौरान प्रबंध क्षमता और वैचारिक क्षमता अद्वितीय होगी। इस कारण से आप अपने काम आसानी से बनाने में सफल रहेंगे। पारिवारिक माहौल अच्छा और सुखद रहेगा। भाई बहनों का साथ मिलेगा और किसी समारोह में या मनोरम स्थान पर आपको यात्रा करने का मौका भी मिलेगा। इस गोचर के दौरान दाम्पत्य सुख में कुछ कमी या कुछ मुद्दों पर तनाव हो सकता है, लेकिन उसका निवारण और हल भी मिल जाएगा और पति पत्नी दोनों एक बात पर सहमत हो जाएंगे और काम भी आपका बन जाएगा। प्रेम प्यार के मामले तेजी से आगे बढ़ेंगे और दोनों प्रेमियों के बीच में हमेशा बहस तकरार भी होती रहेगी, लेकिन प्रेम में कमी नहीं आएगी। बस आप अपने जीवन साथी से कोई बहस आदि न करें। अगर बहस का माहौल हो तो आपको शांत रहना ही उचित रहेगा। धन लाभ की संभावना अधिक है, इसलिए धन संचय करने पर भी ध्यान दें। यात्रा के योग प्रबल है, एक या दो यात्रा होने की संभावना है। विद्यार्थी वर्ग खुश रहेगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, लेकिन कंधा कमर घुटना एडी आदि में दर्द हो सकता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य अच्छा नहीं है, नीच का है, अशुभ स्थान में है या कमजोर है या अशुभ ग्रहों की युति में है, तो आप एक बार अपनी कुंडली किसी विशेषज्ञ ज्योतिषी को बताकर पूरा उनसे उपाय आदि पूछ लें, तो उसको बलवान करने के उपाय पूछ लें, तो सूर्य आपको ऐसा है अच्छा फल देने लगेगा अगर उनके बताए उपाय को आप करेंगे तो। इस महीने में मिथुन राशि वालों के लिए क्या उपाय करना है यह मैं आपको बता देता हूं, लेकिन आपकी राशि का नए साल 2023 का संपूर्ण वार्षिक राशिफल जो है मैंने यहाँ मेरे दैनिक यति राशिफल यति महाराज के नाम से जो चैनल है उसमें पोस्ट कर दिया है। यहाँ आप ऊपर लिंक देख सकते हैं, इस लिंक को क्लिक करने के बाद में आपकी राशि का नए साल 2023 का पूरा वार्षिक राशिफल आप देख सकते हैं। अब मैं आपको जो है उपाय बता देता हूँ कि आपको इस समय में क्या उपाय करना है। तो आप गरीब को आटा दें और गरीब को खाना खिलाएं, गेहूं की रोटी का खाना खिलाएं, और इस गोचर के दौरान आप पूरे महीने में घर के अंदर अगर आपके कोई तांबे का बर्तन या तांबे की चीज़ें तो उसको बेचें नहीं। उसको अगर बेचने की इच्छा है तो आगे कभी आप बेचें, इस महीने में आप उसको ना बेचें। यह था आज के वीडियो में सूर्य के धनु राशि में गोचर करने से आपकी मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा की जानकारी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सूर्य देव का आशीर्वाद पाने के लिए ओम सूर्याय नमः अवश्य लिखें, या फिर मेष राशि वाले जो है वह जय बजरंगबली लिखें, वृषभ राशि वाले जय महालक्ष्मी लिखें, और मिथुन राशि वाले जो है जय गणेशाय नमः अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मैं आपको जो है वह कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि के बारे में कल बताने वाला हूँ। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, और अगर आप मेरे से बातचीत करना चाहते हैं तो मेरा नंबर आप यहाँ नीचे स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ 9462575291 इस नंबर पर आप केवल मुझे रविवार के दिन में 10 बजे से 11 बजे के बीच में फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको कल कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि के बारे में बताऊंगा कि सूर्य के धनु राशि में प्रवेश करने से आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तब तक जय जिनेंद्र।